ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर के बच्चे शांत में रहेंगे तो चुप रहेंगे, और चुप रहना चाहें, गीत ने सुना, गीत में सुना, अगर चुप रहना भी चाहें तो चुप रहेंगे, परंतु बोलेंगे कैसे? सामने वाला हमारी आंखों से। चुप रहना चाहे परंतु आंखें बोलती है। आंखें क्या बोलती है? हम कौन सी मस्ती में रहते हैं, कौन से नशे में रहते हैं? तो आज बाबा ने कहा है अंतर्मुखी। अंतर्मुखता किसको कहा जाता है? यथार्थ अर्थ अंतर्मुखता का, दुनिया वाले जो अंतर्मुख बोलते हैं, और हमारा अंतर्मुख किसको कहेंगे? अंतर्मुखी अर्थात कौन सी बात है? अंदर का मुख कौन सा है हमारा? बाबा कहता है अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी बन के रहना, उसको कहा जाएगा अंतर्मुखी। अंतर्मुखता जितना हम अपने आत्मा स्वरूप में स्थित है तो ऑटोमेटिकली आवाज से पर है। आवाज से, आवाज में काम आए उसके लिए मौन का साधन लेना पड़ता है। बीच बीच में करते हैं ना मौन, और मौन हमें सिखाता है कि बाप की याद निरंतर कैसी बनी रहे।